वालेकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप उन्हें लाजमी लाजमी लोगों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना और उनसे कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जाता, कोई मोटिवेशन नहीं है, या पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पढ़ते हैं तो नींद आने लग जाती है, बोर होने लग जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे होता है, आपका दिल नहीं लगता, तो बस आज हमने इस मसले को हल कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पढ़ाई में दिल लगने लग जाए, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि हम मिलके इस मसले को हल कर सकें। कैसे करेंगे इस मसले को हल? सबसे पहले हमने एक गोल सेट करना। हमारा लाइफ में जब तक कोई गोल नहीं होगा, तब तक हम अपना माइंड जो है वो एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारा गोल क्या होना चाहिए? आप पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं? सोचें, आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप दुनिया में कुछ नाम कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ दुनिया में वो ही ना हो, आपका आपको भी लोग जाने, तो फिर उसका पाथवे तो आसान नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही पढ़ना आसान है, पढ़ना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो पता है, कुछ बड़ा करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप मुश्किल रास्ते से गुजरें। ठीक है, मैं आपको बहुत सिस्टमेटिकली ये सारे मसले में से निकालती हूँ। सबसे पहले ये देखें कि गोल्स दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं? आपने क्यों पढ़ना है? आपने इसलिए पढ़ना है कि अगर आप पढ़ेंगे और जब आपका टेस्ट होगा तो आप उसमें अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे तो आपकी क्लास में एक स्टेटस होगा, आपकी क्लास में एक पोजीशन होगी, बच्चे आपको जानेंगे, कोई मसला होगा बच्चे आपसे आके पूछेंगे, आपका कोई नेम होगा, आप पॉपुलर होंगे। ठीक है, आप टीचर्स की गुड बुक में आ जाएंगे। जब आप टीचर्स की गुड बुक में आ जाएंगे, जो बच्चे टीचर्स की गुड बुक में होते हैं ना, वो कभी भी फेल नहीं हो सकते लाइफ में। ठीक है, अच्छा, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से कुछ एम होंगे। जाहिर सी बात है, अपने माँ बाप से तो सभी मोहब्बत करते हैं, सभी प्यार करते हैं, तो उनके भी तो कुछ एम होंगे ना, तो क्या उनको पूरा नहीं करना? उन जाहिर सी बात है, उन्होंने आपकी करेक्टर बिल्डिंग में, आपको बड़ा करने में बहुत सारी मेहनत की है, उनकी मेहनत का फल भी हम ही ने दे। ठीक है, ये भी एक बहुत, अगर हम इस बात में सोचें ना, ये बहुत पेन करने वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार हमारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक होती है और हम चाहते हैं उसको लिफ्ट अप करना। तो आपको पता है, आप पढ़ेंगे तो ही कुछ करेंगे और अपना सोशल स्टेटस राइज कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? क्या आपने बनना क्या है? आपने डॉक्टर बनना है। ठीक है, आज पढ़ेंगे तो कल डॉक्टर बनेंगे। आपने इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने के लिए ई कैट भी देना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए एम कैट भी देना पड़ेगा, बिजनेसमैन बनने के लिए स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेंगी, स्ट्रैटेजी सीखने के लिए आपको लॉजिक्स याद करने पड़ेंगे। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जाके कुछ बन सकेंगे। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, जो कि आपको पढ़ाई में फोकस रख सके। ठीक है, एक लाइन है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है, वो ये है कि अगर आप बार बार अपने आप को ये चीज़ रियलाइज़ कराते रहें कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है, मैंने किस पॉइंट तक पहुँचना है, तो इससे आपकी आपको मोटिवेट करने में, सिर्फ पढ़ाई की तरफ नहीं, कुछ भी डिफ़िकल्ट काम करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस चीज़ का स्टार्ट मुश्किल है, उसका एंड बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पॉइंट है कि जो भी चीज़ मुश्किल लग रही है, उसका एंड बहुत मज़ेदार होने वाला है। अब देखिए, मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हूँ, मतलब मेरी लाइफ में मुझे सिर्फ एक काम नहीं करना, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। तो कभी कभार क्या, मैं डिप्रेस नहीं होती या मेरे दिमाग में नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, माई यूट्यूब चैनल जो है वो अभी इतना फास्ट ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मतलब मैं जिस पेस को चाह रही हूँ कि मुझे व्यूज़ मिलें या मतलब लोग मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, उतना ज़्यादा नहीं करें। मैं आपको बिल्कुल पर्सनल और क्लोज एग्जांपल दे रही हूँ। तो क्या मैं डिप्रेस नहीं होती होंगी, या मतलब मैं नहीं चाहती होंगी कि मैं क्या इतनी मेहनत करती हूँ, एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है, तो क्या मेरा दिल नहीं करता होगा मैं इसको छोड़ दूँ? मेरा दिल करता है मैं इसको छोड़ दूँ, लेकिन व्हाट मोटिवेट्स मी कि जिस चीज़ का स्टार्ट मुश्किल होता है, जिस चीज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट गिव्स यू अ लॉट ऑफ, ठीक है, सिर्फ इस वजह से आई एम ऑन दिस। ठीक है, तो आप लोगों ने भी पढ़ाई की तरफ इसलिए जाना है कि आज मैं मेहनत करूँगा तो कल कुछ बन जाऊँगा।
क्योंकि कुछ मेरे मोटिवेशन पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करते हैं, वो ये हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बहुत ज़्यादा खर्च किया, वो मुझे मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मेरे हॉस्टल एक्सपेंस पे कर रहे हैं, मेरे लिविंग एक्सपेंस हैं वो पे कर रहे हैं, फिर साथ मेरे कॉलेज एक्सपेंस हैं, तो मेरे दिमाग में तो यही ख्याल होता है कि आई कैन नॉट वेस्ट दिस मनी, ठीक है, मैं आज अपने सुकून के लिए इतनी ज़्यादा मनी बर्बाद नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि पैसों के साथ साथ वो आपसे एक्सपेक्ट करें, ठीक है, आई कैन नॉट लेट देयर एक्सपेक्टेशंस डाउन, तो लाइक मी आपको भी उनके एक्सपेक्टेशंस को लेट डाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि शॉर्ट टर्म गोल में ना मुझे क्लास पोजीशन का बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि मैं अपनी क्लास पोजीशन मेंटेन कर सकूं, या मतलब मैं टॉप 3 टॉप 5 में से नीचे ना जाऊं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए। जब मेरा पढ़ने को नहीं दिल करा तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने आज ना पढ़ा तो मैं पीछे रह जाऊँगी, मैं जल्दी पढ़ने लग जाऊँगी, ठीक है। और दूसरी बात मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ ना उसमें मैं थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाऊँ, मतलब मेरा मतलब मैं उसमें नज़र आऊँ कि मैं वो काम करूँ, इसलिए भी मैं ज़्यादा मतलब मैं अपना कभी कभार मैं अपनी हिम्मत से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, ताकि व्हाट आई वांट टू बी बेस्ट इन व्हाट आई डू, तो ये चीज़ आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें सिर्फ वही जो लोग आखिरी रात पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं वो बनना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी प्रैक्टिकल फील्ड से मुंसलिक हैं, तो जब आप पढ़ेंगे ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, तो जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो आपको वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी, यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ी ही नहीं, या अपनी फील्ड में बेस्ट होने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, और आप दूसरे लोगों से अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में बेहतर होंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको यही कहूँगी कि स्टार्ट विद लेस इन अकॉम्प्लिश मोर ऑन द रोड, ठीक है, थोड़े से स्टार्ट करें। आज सोचें मैंने एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, ये मत सोचें मैंने आज 7, 5, 6, 10 चैप्टर ख़त्म करने, थोड़े से सोचें आज मैंने 2 घंटे पढ़ना है, बस 2 घंटे से शुरू करें, फोकस करके पढ़ें, मोटिवेट हो जाएं कि भाई नहीं आज से मैंने पढ़ना शुरू कर देना है, और जो जितने लोगों की मेरे से एक्सपेक्टेशन है उनको लेट डाउन नहीं करना, तो इंशाल्लाह जैसे 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 1 से 2 चैप्टर हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे। होप्स हो कि आपको इस वीडियो से और मेरी मोटिवेशन से कुछ मोटिवेशन मिली होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सकें। थैंक यू सो वेरी मच।